हेलो दोस्तों, तो ये रही हमारी सुपर टेस्टी डिलीशियस पापड़ की सब्जी। तो आप मेरे चैनल पे नए हो ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, तभी समझ में आएगा कितनी अच्छी और टेस्टी सब्जी बनी है। तो चलिए हम बनाते हैं अपनी पापड़ की सब्जी। तो सबसे पहले मैंने उड़द का पापड़ लिया है जो घर पर बनाया गया है, इसकी वीडियो पड़ चुकी है चैनल पर, जाकर जरूर विजिट करिए और देखिए। तो सबसे पहले मैं पापड़ को भून लूंगी और अच्छे से भून लूंगी, और बहुत जल्दी से अलट पलट कर इसको भूनना है, बिल्कुल भी जलने नहीं देना है। तो यहाँ पे धीमी आंच पर मैं भून रही हूँ, तो ये घर का पापड़ है ना, इसलिए थोड़ा जल्दी से जल जाता है, क्योंकि बहुत पतला बनता है और बहुत ही टेस्टी बनता है घर का पापड़। तो एक बार जरूर आप लोग ट्राई करिए, वीडियो जाकर देखिए, बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है मेरी, चैनल पर जाकर विजिट करिए और देखिए, वीडियो को पूरा देखना। इस प्रकार से हम कम से कम 5 पापड़ यहाँ पे, मतलब 2 लोगों के लिए, 3 लोगों के लिए सब्जी आप बना सकते हो 5 पापड़ में। तो आपके घर पर अगर कुछ नहीं है ना, तो पापड़ की सब्जी एक बार जरूर बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी बनती है, तो ये राजस्थानी सब्जी है। तो चलिए हम बनाते हैं पापड़ की सब्जी। सबसे पहले मैंने पापड़ को भून लिया है, तो 5 पापड़ को मैंने भून कर तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड ये रहा हमारा 5 पापड़, और इसको मैं 4 पापड़ को तोड़ के रखूंगी। तो यहाँ पे सबसे ध्यान देने वाली बात है फ्रेंड, कि पापड़ को आप बारीक मत तोड़ना, वरना ना खाने में मजा नहीं आएगा। पापड़ को थोड़ा बड़ा साइज में तोड़ोगे आप ना, तब ये हाथ में आएगा, मतलब जब खाओगे ना तो लगेगा कि हम किस कोई चीज खा रहे हैं, वरना बारीक बारीक हो जाएंगे तो रस में जो हम मिक्स हो जाते हैं, इसलिए बारीक बिल्कुल भी मत करना, थोड़ा सा इसको बड़े पीसेस में तोड़ लेना। तो 4 पापड़ को मैंने तोड़ लिया है, 1 पापड़ को मैंने रख दिया है, इसको मैं बारीक करके डालूंगी, जिससे अच्छा होगा। ये जो थोड़ा सा जल जाता है साइड में ना, पतला होने की वजह से, इसको हम हटा देंगे, इसलिए जला हुआ थोड़ा सा मैं निकाल दे रही हूँ साइड साइड का। तो यहाँ पे निकाल दिया है मैंने जला हुआ पार्ट सभी के सभी पापड़ का, अब इसको हम साइड में रख देंगे। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में पहले से ही तेल डाल दिया है, तो यहाँ पे 2 से 3 चम्मच मैंने तेल डाला है, उसके बाद कड़ी पत्ता डाल दिया, उसके बाद जीरा डाला है, उसके बाद मोहरी डाला है, फिर उसके बाद मेथी दाना डाला है, और यहाँ पे थोड़े बड़े बड़े पीसेस में कट के मैंने लहसुन डाल दिया, कम से कम 8-10 कली लहसुन डाला है मैंने। और इसको थोड़ा सा लाल होने तक भून लेंगे, उसके बाद तुरंत हम प्याज डाल देंगे। प्याज को हमें बहुत ज्यादा बारीक, मतलब बहुत ज्यादा लाल नहीं करना है, नॉर्मल लाल करना है, उसके बाद थोड़ा सा लाल हो जाए ना, तुरंत के तुरंत हम इसको इसमें डालेंगे अपना मसाला। जब तक ये लाल हो रहा है, इसको साइड में करके लाल करेंगे, तब तक हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी लेंगे 2 चम्मच, उसमें यहाँ पे धनिया पाउडर मैंने 2 चम्मच डाला, थोड़ा सा मैंने लाल मिर्च डाला है क्योंकि 1 चम्मच डाला है, उसके बाद यहाँ पे गरम मसाला डाला है, उसके बाद एवरेस्ट का मसाला डाला, मतलब 2 प्रकार के गरम मसाले डाले हैं। बाद यहाँ पे हल्दी डाल दिया मैंने 2 चुटकी, उसके बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद जब हमारी लाल हो जाती है ना, उसके बाद तुरंत हम टमाटर काट के डाल देंगे। यहाँ पे छोटे साइज के 2 टमाटर मैंने कटिंग करके डाल दिया, इसको भी एकदम बारीक कटिंग करके डाला मैंने, बहुत बारीक नहीं है, बहुत ज्यादा भी नहीं है। तो बस इसको थोड़ा सा जब लाल हो जाए ना, उसके बाद थोड़ा सा साइड में करके यहाँ पे जो हमने मसाले तैयार करे हैं उसको डाल देंगे। और इसको डालने के बाद हम एकदम धीमी आंच पर इसको एकदम तेल आने तक एकदम पकाएंगे, तो इसमें ही फायदा होता है कि बहुत अच्छे से तेल आ जाता है एकदम हमारे मसाले में। मसाले के बर्तन में जो भी थोड़ा सा पानी डालकर इसमें डाल देंगे, जिससे कि वो साफ हो जाए। उसके बाद यहाँ पर हम इसको ढककर रख देंगे धीमी आँच पर करीब से करीब 2 से 3 मिनट तक, अच्छे से हम ढककर रख देंगे, पकने देंगे इसको, तब तक मसाले में एकदम तेल छोड़ देगा ये मसाला। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कितने अच्छे तेल छोड़ दिया है, और इसमें हम थोड़ा सा जितना हमें रस चाहिए उस हिसाब से हम पानी डालेंगे। तो बहुत ज़्यादा इसमें पानी मत डालना गाइस, वरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमें ये थोड़ा सा लटपटा चाहिए, मतलब कि बहुत ज़्यादा रसा भी ना हो, बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो, तो बस इस प्रकार से हमें करना, बहुत ज़्यादा थिक ना हो। इसमें थोड़ा सा हम इसमें नमक का ध्यान देंगे, क्योंकि नमक हमें बहुत ज़्यादा डालना नहीं है, क्योंकि हमारे पापड़ में भी नमक रहता है, इसलिए अब इसको हम ढक देंगे। और थोड़ा सा जब तक ये उबाल आ जाए, तब तक हम 1 उबाल आने तक इसको ढककर रखेंगे। उसके बाद देख सकते हो आप साइड साइड में तेल लग रहा है ना मसाले में, उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे अपनी पापड़। पापड़ डालते वक्त ध्यान देना कि एकदम गैस को फ्लेम हाई मत रखना, मीडियम से लो रखना। उसके बाद इसको हम इस तरीके से डालते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाता है, जैसे सॉफ्ट होता है उसमें हम हमारी जो एक पापड़ पड़ी हुई है ना, उसको भी हम एकदम बारीक करके इसमें डाल देंगे। तो अब मैंने ढक कर रख दिया, उसको सॉफ्ट हो रहा है थोड़ा सा, उसके बाद 1 पापड़ मैंने बचा कर रखा था, उसको मैं बारीक करके इसमें डाल दिया है। तो आप चाहो ना तो 2 से 3 पापड़ में भी बना सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे 5 पापड़ में बनाया, बहुत ही अच्छा बनाया है। तो एक बार जरूर आप चैनल पर विजिट करके देखिए, और हाँ चैनल पर प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बस इस प्रकार से हम इसमें छोटे छोटे टुकड़े डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, मतलब कि थोड़ा रसा जो है ना गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है, थिक हो जाता है रस, इसलिए। तो बस इस प्रकार से हम अपना सब्जी तैयार कर लेंगे। तो हमारी सब्जी लगभग हो ही गई है, आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड, और वीडियो पर एक कमेंट जरूर कर दीजिए, जिससे हमारे हौसला बढ़ता है अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, और कमेंट करके बताइए आपको ये सब्जी कैसी लगी। तो यहाँ पर देख सकते हो कितनी अच्छी सब्जी बनी है ना, एक खाने लायक हो चुकी है। तो आप ज़रूर बनाइए, एक बार टेस्ट करिए कि रेसिपी आपको कैसी लग रही है अपने घर पर, ज़रूर बनाया करिए नई नई चीज़ें, आपको भी अच्छा लगेगा, घर वालों को भी अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ 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 चैनल
पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हो तब भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारी सब्जी हो गई है रेडी। रुको रुको फ्रेंड जाओ मत, यहाँ पे दी गई है दो वीडियो ना, किसी एक पर क्लिक करके वीडियो को देखो और लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बब्बा एंड टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।